हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एवरेज के और कुछ नए क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये नया क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। तो ये बोल रहा है कि एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी थ्री ईयर्स अगो वॉज 27। तो 3 साल पहले जो एवरेज है ए बी सी का वो 27 साल था, ठीक है, तीनों ये तीनों की एज का। और 5 साल पहले 5 ईयर्स अगो द एवरेज ऑफ बी एंड सी वॉज 20 ईयर्स। मतलब जो 5 साल पहले बी एंड सी का जो एज का एवरेज था वो 20 ईयर्स था। तो ये बोल रहा है कि फाइंड द एज ऑफ ए। तो ये सब ये पहले 3 साल आगो वाला दिया है, 3 साल पहले वाला, और बी एंड सी का दिया है 5 साल पहले का, ठीक है, 5 ईयर्स अगो। तो हम क्या करते हैं, ये दोनों का हम प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं। प्रेजेंट एज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हमें 3 साल और ये 5 साल इन दोनों में ऐड करने पड़ेंगे, 27 और 20 में। तो पहले ए बी सी के लिए हम देखते हैं, फॉर ए बी एंड सी, ठीक है। तो इसके लिए देखते हैं हम, तो इसका फॉर्मूला है पहले ए बी सी डिवाइडेड बाय 3 और ये है 27 साल, ठीक है, 27 ईयर्स। तो ये पहले 3 ईयर्स अगो के लिए, ठीक है। तो अभी नाउ प्रेजेंट में कितना आएगा, प्रेजेंट में ए बी और सी डिवाइडेड बाय 3, 27 में 3 ऐड करना पड़ेगा, मतलब 3 साल हो चुके हैं ना अभी, तो 27 में 3 ऐड कर देते, 30 हो जाएगा। तो ए बी सी का वैल्यू आ जाएगा 90, ये 3 को इधर लेके गए, 90 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या बोल रहा है, बी एन सी के लिए देखते हैं हम, ठीक है। बी एन सी का क्या बोल रहा है, 5 ईयर्स अगो। तो प्रेजेंट में कितना आएगा, 20 में 5 ऐड कर देते हैं, डायरेक्ट हम कर देते हैं, बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 20 में 5 ऐड करने कितना आएगा, 25। तो इधर करते हैं, बी प्लस सी इक्वल टू 25 × 2 आ जाएगा 50, ठीक है। तो हम ये इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, हम इसे सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, प्लस सी माइनस सी कैंसिल, और 90 में से 50 गया, 40 आएगा, तो ए का वैल्यू आ जाएगा 40, ठीक है। तो हमारा आंसर है 40 ईयर्स, ए का जो एज पूछा है वो 40 ईयर्स है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि द टीचर ऑफ मैथमेटिक्स सम द मार्क्स ऑफ 31 स्टूडेंट। तो टीचर है मैथमेटिक्स की, उसने सब स्टूडेंट का सम किया, एडिशन किया, ऑफ क्लास एट के स्टूडेंट जो 35 है उनका एडिशन किया, तो एवरेज आया, द एवरेज मार्क इज 72, बट मार्क ऑफ राजू इज़ रिटर्न एज 36 इंस्टेड ऑफ 86, फाइंड द करेक्ट एवरेज ऑफ ऑल स्टूडेंट। तो क्या बोल रहा है, एक टीचर है मैथमेटिक्स की जिसने सभी 35 स्टूडेंट जो 8वीं क्लास के हैं उनका सम किया, तो एवरेज आया 72, बट उसने प्रॉब्लम क्या कर दी, उसने राजू के जो मार्क्स है वो 86 की जगह 36 लिख लिए। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, तो कितना कम लिखा है, एटी सिक्स लिखना चाहिए था लेकिन लिखा 36, तो कितना कम लिखा है उसने, 50 कम लिखा है, ठीक है, तो 50 उसने कम लिखा है। तो हम क्या कर रहे थे, ये 50 हम मार्क पूरे 50 स्टूडेंट में ऐड करते थे, तो क्या करते हैं, ये 50 हमारे पास मार्क्स हो गए, ठीक है, जो उसने कम लिखे, स्टूडेंट है 35, हम इसको इससे डिवाइड कर देते नंबर ऑफ स्टूडेंट से, ठीक है। तो ये क्या आएगा, इसको जब हम डिवाइड करेंगे, हम इधर कर लेते हैं, ठीक है, 35 से 1 टाइम 35 15, ठीक है, हम पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देते हैं, ये 4 टाइम्स जाएगा 140, ठीक है, 10 बचा, तो ये फिर से 0.0, ये 2 टाइम्स जाएगा, तो ये कुछ आएगा ऐसा। तो इसका हम जो जो हमें रिमेनिंग है, जो बचा हुआ है, जो कि आना चाहिए था, इसमें ऐड होना चाहिए था, ये है 1.42, ठीक है। तो जो पुराना वाला एवरेज है 72, ठीक है, यहाँ पे 72 दिया गया है ना, पर ये तो गलत है, ये गलत आ गया, क्योंकि उसने 36 लिए थे 86 की जगह, तो 86 अगर वो लिखती तो एवरेज बढ़ जाता ना, तो कितना बढ़ता, 1.42 से बढ़ता। तो हम ये 72 में ऐड करेंगे, तो क्या आएंगे आंसर, 73.42, तो ये हमारा आंसर रहेगा, 73.42 ये न्यू एवरेज आएगा, जो कि
एग्जैक्ट एवरेज आएगा, ठीक है, करेक्ट एवरेज, न्यू करेक्ट एवरेज, ठीक है। तो ये हमारा आंसर रहेगा। तो एक नया क्वेश्चन हमारे पास और एक है। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स द एवरेज एज ऑफ प्लेयर्स इंक्रीज बाय 2 मंथ व्हेन टू प्लेयर ऑफ एज 18 इयर्स एंड 20 इयर्स इज रिप्लेस बाय टू न्यू प्लेयर्स, फाइंड द एवरेज ऑफ टू न्यू प्लेयर्स। तो टू न्यू प्लेयर्स का हमें एवरेज फाइंड करना है। तो क्या बोला है, 11 प्लेयर्स है, उनका जो एवरेज है जो कि 2 मंथ से बढ़ रहा है, तो कब बढ़ रहा है, जब दो प्लेयर्स जिनका एज है 18 इयर्स और 20 इयर्स वाले दो लड़के हैं, दो स्टूडेंट्स हैं, दो प्लेयर्स हैं, वो रिप्लेस हो रहे किसी दूसरे प्लेयर से। तो ये मैंने पहले भी इसका तरीका बताया था कैसे करना है। तो जो भी प्लेयर्स छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, जो भी इंक्रीज़ हो रहा है वो सारे प्लेयर्स पे इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये 2 मंथ्स का जो इंक्रीज़ है, ठीक है, 2 मंथ्स का जो इंक्रीज़ है वो सारे 11 प्लेयर्स पे इफ़ेक्ट करेगा। तो ठीक है, ये आएगा 22 मंथ्स। और छोड़ के कौन गया है, ये 18 ईयर वाला प्लस 20 ईयर वाला, तो ये आएगा दोनों का 38। तो टोटल कितना, मतलब अभी ऐड होना है न्यू, जो न्यू एवरेज है, जो न्यू, ये तो पुराने वाला है, ये छोड़ के गए, अभी नए वाले दो आएंगे, ठीक है। तो उनमें कितना ऐड होगा, 38 ईयर्स एंड 22 मंथ्स। लेकिन हमें क्या हो रहा है, ये तो उनका सम आ जाता है दोनों का, लेकिन हमें बोल रहा है उनका एवरेज निकालें, फाइंड एवरेज ऑफ टू न्यू प्लेयर। ये तो सम आ गया, तो हम इसे 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 19, ठीक है, 19 ईयर्स, और आ जाएगा ये इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 मंथ्स, 19 ईयर 11 मंथ्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 19 ईयर 11 मंथ हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए।